Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. यो यही है डियरेस्ट कॉनी, यानी मेरी प्यारी कॉनी। यहाँ पर जिम मैकपर्सन नाम के एक इंसान है जिन्होंने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा है और वो कह रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी के माहौल में हूँ और मुझे आज ये तुम्हें एक लेटर लिखना ही था। We were all standing too in our trenches yesterday morning. तो trenches का मतलब होता है बच्चों कि हम अपनी position लेकर खड़े हुए थे। यहाँ देखो आपको side में glossary दे रखी है, standing too यानी अपनी अपनी position लेके, और आपने देखा होगा फौजी किस तरीके से गड्ढे बनाकर और गड्ढों के अंदर छुप कर रहते हैं ताकि जब soldiers उनके ऊपर गोली चलाएं तो गोली उनको लगे नहीं। तो ये एक soldier थे, जिम मैकपर्सन एक soldier थे और अपनी wife को बता रहे हैं कि हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे यस्टरडे मॉर्निंग को, क्रिसमस मॉर्निंग थी वो, इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एकदम ठंडी सी, एकदम कड़कती ठंडी जैसी मॉर्निंग थी, एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो हर बार की तरह जैसे क्रिसमस मॉर्निंग हमेशा दिसंबर में आती है, कड़कती ठंड होती है, और हमेशा की तरह जैसे एक ठंडी मॉर्निंग होनी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही मॉर्निंग थी, हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से is that Fritz began it। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि भी मैं गर्व से कह सकूं कि हमने शुरुआत की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शुरुआत Fritz लोगों ने की और मैं बड़ा ही शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि शुरुआत हमने क्यों नहीं की। तो Fritz यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स को कहा जाता है बच्चों, यहाँ पे जिम जो है ये इंग्लिश सोल्जर यानी ब्रिटिशर है और Fritz का मतलब है जर्मन सोल्जर, जो इनके ओपोनेंट है, जो इनके साथ में लड़ रहे हैं। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas! When we had got out the surprise, some of we us shouted back, same to you, Fritz, same to you. तो अब ये जो जर्मन सोल्जर्स थे जिन्हें हम फ्रिट्स कहते थे, ये ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहते थे, और एक्चुअली में सामने से हम लोग अपने ट्रेंचेस में थे, अचानक से हमको व्हाइट फ्लैग नजर आया, फिर वहां से कुछ लोग चिल्लाए हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, तो हम लोगों को लगा कि भाई वो शांति की अपील कर रहे हैं, हमें क्रिसमस विश कर रहे हैं। हमने भी सामने उनको जवाब दे दिया कि भाई सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। तो इस तरीके से आपस में ये दोनों जो दुश्मन हम कह सकते हैं, ये एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे हैं। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। Then there was another Fritz up on the parapet and another, keep your heads down, I told the man it's a trick, but it wasn't. तो अब क्या हुआ, दोनों सेना में से कभी एक कोई उठकर बाहर आकर फ्लैग घुमा रहा है व्हाइट कलर का, मतलब हम अब शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो दूसरी जो अपोनेंट टीम है वो बोल रही है कि भाई यहाँ पे कोई गोली मत चला देना, तो जो टीम है वो गोली नहीं चला रही है, तो सामने वाली सेना है उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये लोग कुछ नौटंकी कर रहे हैं और ऐसे बेवकूफ बना के कहीं गोली चला देंगे, तो भाई सब हेड डाउन कर लो, ये एक ट्रिक लग रही है, मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। Excuse me, where can I take the bus? तो इसके बाद देखो, one of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage. We meet you, yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तो अब जो जर्मन्स थे वो कुछ बॉटल्स अपने सर पे वेव कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई हमारे पास कुछ स्नैप्स है, कुछ सॉसेज है, मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो स्नैप्स का मतलब होता है अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, तो उनके पास कुछ खाने के लिए कुछ सॉसेज थे, कुछ ड्रिंक्स थे, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग बड़ी मुश्किल से आपस में मिले हैं भाई, हम लोग साथ में मिलके कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे डजन्स यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगे
अब दोनों ये जो जर्मन्स थे और ब्रिटिशर्स थे इनके बीच में वॉर चल रहा था, लेकिन इस टाइम पे उन दोनों के बीच में कोई राइफल नहीं थी। राइफल नहीं थी मतलब कोई भी वो लोग लड़ाई करने के मूड में नहीं थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट never even occurred to me I should. All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. तो अब जब ये लोग आ रहे थे और ये लोग बोल रहे थे कि चलो भाई आ जाओ बॉयज आ जाओ, और सब एक के बाद एक आने लगे, तो मैं उनको रोक भी सकता था क्योंकि मैं ऑफिसर था, लेकिन सच कहूं दिल से कि मैंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स के बीच में ये जो मुलाकात है बड़ी अच्छी है, और मुझे इसका पार्ट होना अच्छा लग रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई वॉर के बीच में हम इस तरीके की शांति, इस तरीके का पीस जो है वो बना रहे हैं। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf. तो तुमको मैं बता नहीं सकता मेरी प्यारी कोनी, वो जो फीलिंग्स थी जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के देखी और उसने मुझे हैंस वॉल्फ कहा। ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब उसने मेरे को बताया कि मैं सेलो यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ और मैं बड़ा ही खुश हूँ। उसने मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़ा और मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब जैसे इंट्रोडक्शन देते ना, तो इसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया और कहा कि भाई मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि भाई मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में और ये वेस्ट इंग्लैंड में आता है। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। उसने कहा कि भाई डॉर्सेट, डॉर्सेट तो मैं जानता हूँ, उसने स्माइल देते हुए कहा। वी शेयर्ड माई रूम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो हम दोनों ने बैठ के बातें की, हमने अपना सॉसेज वगैरह शेयर किया, फिर हमने बहुत सारी बातें की, और कॉनी वो पता नहीं कैसे he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school. और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो डॉर्सेट के बारे में जानता था, मगर वो डॉर्सेट कभी गया ही नहीं है, वो तो इंग्लैंड कभी आया ही नहीं है, और ना ही उसने ये सब कुछ कभी देखा है। उसने ये सारी चीजें उसके स्कूल में से सीखी है, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और ये सारी इंग्लिश बोलना और ये सब भी उसने इंग्लिश बुक्स पढ़ पढ़ के सीखा है। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far From the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो हमने इन सभी की बातें की, सर्जेंट ट्रॉय और इन सब की, ये जो बुक्स थी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स, इन सब के बारे में बातें की। और नो मैंस लैंड का मतलब होता है बच्चों ऐसी जगह जहाँ पे कोई इंसान, मतलब सिविलियन ही नहीं था, सिर्फ ये आर्मी के ऑफिसर्स लोग थे जो युद्ध के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। He had a wife and one son, both just 6 months ago. Born just 6 months ago. तो उसकी एक वाइफ थी और उसका एक बेटा था जो बस अभी 6 महीने पहले ही जन्मा था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. तो जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, वहाँ पे सिर्फ खाकी और ग्रीन, laughing, talking, drinking, eating. तो वहाँ पे मैंने देखा कि कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, मतलब सब लोग एकदम आनंद में थे, मजे में थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. और मैंने उसके साथ में, तुमने जो दिया था वो wonderful Christmas cake उसके साथ में शेयर कर लिया।
He thought that marzipan was the best he had ever tasted. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. और marzipan का मतलब होता है एक sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. तो उसने कहा कि भाई marzipan जो सबसे बढ़िया केक मैंने आज तक taste किया है वो सबसे बढ़िया होता है. और मैं भी इस बात पे एग्री था. और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कॉनी, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दुश्मन के साथ में क्रिसमस ईव की पार्टी, मतलब ये तो बिल्कुल आज तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं था और वो वाली बात हो गई. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. Great coats were dumped in piles to make goal post. अब क्या हो गया कि कोई पता नहीं कौन लेके आ गया, एक फुटबॉल लेके आ गया और great coats वाले सबके सब इकट्ठा हो गए goal post बन के. And the next thing we knew it was Tommy against Fritz. अब क्या हो गया, Tommy और Fritz एक दूसरे के against मैच को खेलने लगे. इसके सिर्फ 20 डॉट्स से. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet. तो अब जो इस no man's land में फुटबॉल की मैच स्टार्ट हो गई, Hans Wolf और मैंने चीयर किया, क्लैप किया और हम लोग अपनी जो फीट होती है उसको नीचे जमीन पे पछाड़ने लगे, चीयर अप करने लगे, हमें जोश आ गया. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. तो अब हम लोग इस मैच में, फुटबॉल के मैच में इतना खो गए थे, चीयर कर रहे थे और हमारी सांसें जो हैं बड़ी गहरी होती जा रही थी, हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और अचानक से उसने कहा एक मोमेंट पे कि भाई जिम मैकपर्सन, ऐसा नहीं लगता कि बस हम इस वॉर को यहीं खत्म कर दें. A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. तो कहा उसने कि भाई एक फुटबॉल मैच से ही हम लोग जीत हार का फैसला कर लें तो कितना अच्छा होगा, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, अगर वॉर में कोई भी सैनिक नहीं मरेगा तो किसी की भी वाइफ विधवा नहीं होगी, बच्चे अनाथ नहीं होंगे. ये उसने बहुत बढ़िया बात कही. आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने कहा कि यार फुटबॉल से अच्छा क्रिकेट का मैच रख लो, क्योंकि जो जर्मन्स होते हैं वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलते हैं, ब्रिटिशर्स जो थे वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं. आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. उसने कहा कि अगर भाई क्रिकेट रख लोगे तो फिर शायद हम जीत जाएंगे. वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम सैड टू से. और फिर हम दोनों हंस पड़े और हमने साथ में गेम खेला. बहुत सैड टू से कि भाई अब कॉनी मैं बड़ा दुखी हूँ तुमको बताते हुए, फ्रिट्स वॉन, भाई वो लोग जीत गए 2-1, उनके 2 गोल थे, हमारा एक ही गोल था. बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, अवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स सो इट वाजंट क्वाइट फेयर. और हमारा जो गोल था वो उनसे फेयर नहीं हुआ है, और लेकिन उन्होंने हमारी फिर भी तारीफ की. The time came and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. Up. ये गेम खत्म हो गया, हमारे खाने पीने की चीजें सब जो हम पार्टी कर रहे थे, हमारा रम जो हम पी रहे थे वो सब कुछ खत्म हो गया और अब मतलब जाने का समय आ गया, अलग होने का समय आ गया, ऐसा लग रहा था. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. अब मैंने उसको, हैंस वुल्फ को कहा कि भाई जल्दी ही ये वॉर खत्म हो जाए और तुम अपने परिवार को देख सको, ये फाइटिंग खत्म हो जाए और हर फौजी अपने अपने घर जा सके. मैं ऐसी ही दुआ करता हूँ.